हेलो गाइस, ओम साई राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ गर्मी से बहुत मतलब दस लग गई, बुखार हो गया। तो आज मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। तो आज और एक त्यौहार है, संक्रांत, पौना संक्रांत भी बोलते हैं हमारे उड़ीसा में। पौना संक्रांत भी है, छामू जात्रा भी है, और एक भी है आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भी है। तो चलिए मैं आप लोगों को सब त्यौहार दिखाती हूँ। पौना संक्रांति तो सुबह सुबह हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। ये पूजा हो गया है मेरे, ये जेठ के घर, जिठानी की घर है, ये पूजा पाठ हो गया है पौना संक्रांति का। संक्रांति बोलते हैं हम लोगों। तो चलिए जो झामू यात्रा है, वो झामू यात्रा का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए किस को झामू यात्रा आपको मज़ा आएगा यहाँ की। चलिए इनका श्रद्धा है या अंधविश्वास बोलिए चाहे श्रद्धा बोलिए, ऐसे कुछ है तो आपको मज़ा भी आएगा। अगर मज़ा आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों पहले देखे हैं कि नहीं। चलिए गाइस, मैं थोड़ा रेडी भी हो जाऊँ। बाबा की आज जयंती है, तीन तीन त्यौहार है आज, पौना संक्रांति, झामू यात्रा और हाँ उड़ीसा के नया साल है आज पौना संक्रांति, और ये बाबा अम्बेडकर के जन्मदिन। कलश ले करके आ रहे हैं अभी, जो नाच करके गए थे अभी कलश ले करके आ रहे हैं अभी ना, ये लोग आग में चलेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ, कलश ले करके आ रहे हैं नदी से नहा करके, कलश ले करके आ रहे हैं ये लोग अभी आग में चलेंगे। देखिए गाइस कितनी भीड़ है, ये बिछा हुआ है, इसमें आएंगे चप्पल खाली गुड़ा कर, खाली गुड़ा की माने भरी पर कचा के नहीं जाए आगरी का लेके। Thank you.
Thank you.
ভগবান আসিনি পারবার কারণে बच्चों को बांटने के लिए है। ये एक बोरी बढ़ चुका है दोपहर को, उस समय मैं थी नहीं, मैं कहीं गई हुई थी, तो अभी ये बटेगा। ये उस चीज के लिए बट रहा है, बाबा अम्बेडकर जयंती के लिए ये बच्चों को कुरकुरे बट रहा है। आउ गुटे छुआ होचे सेटा बुढ़ा बुढ़ी सबके मिलबा आसो जल्दी जल्दी बुढ़ा बुढ़ी सबके मिलबा गाइस आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं हमारे उड़ीसा का त्यौहार झामू यात्रा। और बहुत गर्मी थी जब आग में पहले कहाँ जाते हैं कलश लेकर के नदी में ना, नदी जाते हैं फिर आते हैं यहाँ पर, फिर अग्नि में चलते हैं, अंगारे में चलते हैं। एक साल में बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है जब देवी आता है सबका अंदर में और सब कोई चलते हैं आग में चलते हैं। कितना फुट से लंबा टजन है, कितने फुट रहा, कम से कम 10-15 फुट का होगा। हाँ, वो जो गड्ढा खोदते हैं आग लगाने के लिए, अंगारे बनाते हैं कोयला का, वो 10 फुट का होता है गाइस, 10-11 फुट का होता है। और उसमें चलते हैं अंगारे में, और देवी चढ़ा हुआ होता है तो उनको कुछ नहीं लगता है। दूसरे सुबह उनका थोड़ा पेन होता पैर है, के तले नहीं होता है, पैर के तले वो छाले पड़ते हैं, पर उस समय उनको कुछ नहीं लगता है, आग में चलते हैं। अगर हमारा त्यौहार अच्छा लगा, आज तीन फेस्टिवल था, एक तो था पौना संक्रांति, वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मेरे शक्ल से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। दो तीन दिन हो रहा है चाची का तबीयत हाँ, बहुत तो इसीलिए मैं पौना संक्रांति का नहीं बना पाई। तो सुबह पौना संक्रांति था, और जैसे पंजाब में दिल्ली में बैसाखी, पहला बैसाखी होता है तो उड़ीसा में पौना संक्रांति बोलते हैं। सब तरफ होता है, कुछ ना कुछ सब तरफ होता है। हमारे यहाँ दही और बहुत सारे फल फ्रूट का, बेल का ये शरबत बनाते हैं, तो उसको हम पौना बोलते हैं, जो शरबत को उड़िया में पौना बोलते हैं, तो वही शरबत पीते हैं आज के दिन। तो सुबह भगवान को चढ़ा करके, तो सुबह हुआ, फिर आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती भी था और ये झामू यात्रा। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए गाइस, बाय बाय, ओम साई राम, बाय बाय गाइस, लाइक करो, शेयर करो, और सबको शेयर करो गाइस ये वीडियो, और बहुत अच्छा लगेगा गाइस ये वीडियो देखने में। हम लोगों का इंडियन कल्चर गाइस बहुत अच्छा होता है गाइस। नमस्ते।